प्यारे बच्चे, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको इस साइंस स्किल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लॉकडाउन की स्थिति में क्लासेस को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सभी मार्केट वगैरह सभी चीजें बंद है। तो इसी चीज को देखते हुए हम 10th क्लासेस के लिए आज से वो वीडियो लेक्चर आपको दो सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, एक साइंस की क्लासेस और एक मैथ्स की क्लासेस। तो बहुत दिन के वेट करते करते कि लॉकडाउन अब खुलेगा, लेकिन देखा ऐसा जा रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, लॉकडाउन खुलने का संभावना है नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए अब हम 10th क्लास जो बिहार बोर्ड के छात्र होंगे, छात्र छात्राएं, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कि जो भी 10th क्लास के छात्र छात्राएं हैं वो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। वो बस अंते आपको एक काम करना होगा, अपने नाम के साथ नंबर को मेरे को सेंड कर देना होगा। उससे हम करेंगे क्या, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसमें डेली दो सब्जेक्ट की आधे आधे घंटे लगभग एवरेज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे डेली, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, चाहे कोई भी दिन हो, डेली आपको उसको पढ़ाई करना है, देखना है उस वीडियो को, लेक्चर को, और जो भी वर्क्स देंगे हम उसको बनाकर और जो ग्रुप क्रिएट करेंगे उस ग्रुप में भेजना है। जिसको जिसको भी हम ग्रुप में जोड़ रहे हैं फिलहाल, वो कोई भी गलत कमेंट सेक्शन नहीं करेगा, कोई भी गलत मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही पोस्ट करेगा। और दूसरी बात कि जो हम बनाने के लिए देंगे स्ट्रिक्टली रूप से वही उन चीजों को ही बनाकर भेजेंगे आप लोग। अगर कोई भी छात्र छात्रा ऐसा पकड़ा गया कि वो भी गलत मिसयूज कर रहा है इस ग्रुप को, तो उसको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप से। तो मेरा ये जो ग्रुप है सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ डाउट्स के लिए। आप अगर जो बनाकर भेजेंगे उसको हम चेक करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो। रेगुलर दो सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, ये वीडियो अपलोड रहेंगी यूट्यूब पे। और हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब वाले बटन है रेड कलर की, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे यहां से जो भी अपलोडिंग होगी, अगर आप ग्रुप में नहीं भी देख पाए तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम आज से 9th क्लासेस के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि 10th क्लासेस के हम लोग जो कोचिंग में चल रहा था, जैसा कि मुझे पता है कि सर 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, 10th के एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कोचिंग में पढ़ रहे थे 4.1 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स पढ़ना। मैथ्स में फिर से बता देते हैं कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, 10th क्लासेस के वे सभी छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप कॉमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ नंबर को भी भेज सकते हैं, और ये प्रोसेस वो लोगों के लिए फायदा होगा जो घर पे भी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आप बिल्कुल पढ़िए घर पे, इसको मिसयूज नहीं कीजिए। और बाकी रहा कि सर आप मैथ और साइंस का ही वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो जो एग्जाम होगा उसमें सभी सब्जेक्ट आएंगे, आप दो ही सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी मेरे पास जवाब है। प्यारे छात्रों, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हम सभी सब्जेक्ट को तभी अपलोड कर पाते जब सभी टीचर एक स्थान पर पहुंचते और अपना अपना वीडियो लेक्चर को शूट करते। ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं वो पहुंचने में कोचिंग तक असमर्थ हैं, यानी कि लॉकडाउन में चूंकि एक जगह इकट्ठा भी होना नहीं है, किसी आना जाना सभी चीजें बंद है, तो इसलिए और भी फैकल्टी आपको वीडियो शूट करके प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, उनके लिए लॉकडाउन की समस्या है। तो इसलिए हम ये डिसाइड किए हैं कि मैथ और साइंस का ही वीडियो अपलोड किया जाए, पहला कारण तो ये। और दूसरा यानी कि मैथ साइंस के अलावा आपके पास तीन सब्जेक्ट बनता है, एक संस्कृत, एक हिंदी, सिर्फ अभी 10th के लिए बात कर रहे हैं, संस्कृत, हिंदी और SST। प्यारे छात्रों, संस्कृत को छोड़ दीजिए, संस्कृत को लास्ट के 2-3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, अगर लॉकडाउन रहे या नहीं रहे। ये पहले भी से भी ये हम लोग का क्राइटेरिया था, रूल रहा है कि लास्ट के 2-3 मंथ्स में हम लोग संस्कृत कंप्लीट करा देते हैं। वही संस्कृत में जो चैप्टर है, ग्रामर है, वही चीजें पढ़ते हैं जो बिल्कुल आने वाला होता है। तो संस्कृत के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब रहा बात सर कि हिंदी और SST का क्या करें, तो प्यारे छात्रों, हिंदी और SST एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको हरेक दिन एक चैप्टर को खत्म करना है।
आप अगर मन में ठानेंगे ना वो चीजें आसान हो जाता है। इसलिए आप हिंदी और SST ये जो दो ठो सब्जेक्ट है आपको हरेक दिन एक चैप्टर पढ़ना है। आपके पास बुक तो होगा, आप डेली एक चैप्टर पढ़िए, उसके पीछे का क्वेश्चन आंसर का एक नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ के खुद से भी आंसर कर सकते हैं। और बाकी हिंदी में तो ग्रामर पढ़ते रहिए, जो पहले मुहावरा कारक संज्ञा सर्वनाम कितने क्या भेद होते हैं सबका एग्जाम्पल, आप बिल्कुल इन चीजों को रटते रहिए, याद करते रहिए। लेकिन जो समस्या होता है लोगों को मैथ और साइंस में, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़ाए आप खुद से पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हमने ये ठाना है कि मैथ्स और साइंस की क्लास रेगुलर आधे घंटे की वीडियो हो सकती है, 35 मिनट की वीडियो हो सकती है, मतलब अप्रोक्स अगर बात करें तो 30-35 मिनट्स की वीडियोज डेली आएगी दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर में होगा। यानी कि डेली दो सब्जेक्ट की वीडियो होंगी, और उसके लिए भी टाइम फिक्स कर देते हैं, टाइम का वो 9 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक डेली अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? तो बिल्कुल और दूसरी बात, एक लास्ट में एक हम बात कहना चाहते हैं कि चूंकि प्यारे छात्रों अभी यूट्यूब का जो माध्यम हम अपनाए हैं ऑनलाइन के लिए, ये हम मेरा जो काम होता है ना यूट्यूब पे अपलोड करो, फिर उस अपलोड को आप देखते हो, लेकिन इससे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता। अगर मान लिया कि हम कोई मैथ्स पढ़ाते हैं साइंस पढ़ाते हैं और आपको फिर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में आकर कमेंट करते हो, या फिर उस ग्रुप में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताते हो, या फिर हमें कॉल करते हो, राइट? यही ना रूल्स होगा अगर आपको डाउट्स होगा तो। लेकिन प्यारे छात्रों अगर हम यूट्यूब पे लाइव वीडियो आएंगे लेकर, तो उसके लिए कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आप टू दी पॉइंट आपका मैसेज देखेंगे कि सर सेकेंड स्टेप समझ नहीं आ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया सर, फिर से इसको रिपीट अगेन सर प्लीज, उसको हम दोबारा से बताएंगे। यानी कि एक बढ़िया साधन हम लोग का छूट रहा है प्यारे छात्रों ऑनलाइन का, वो है यूट्यूब पे लाइव वीडियो लेकर आना। और प्यारे छात्रों उसके लिए ना हम लोग चूक रहे हैं, क्योंकि उस पे 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो कि अभी भी हमें उसमें कमियां हैं। आप बिल्कुल इसको पूरा करेंगे, आप करें और अपने साथी समाज में जितने भी सगी संबंधी है उनको भी आप प्लीज बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप ये बोले कि सर हम जो है स्टडी करने में पिछड़ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट मी। उससे होगा क्या कि हम यूट्यूब पे लाइव वीडियो लेकर आएंगे, आपको कहीं से भी कोई टू दी पॉइंट अगर प्रॉब्लम होता है हम टू दी पॉइंट बताएंगे इस पे। तो एक हम लोग का एक कमी है कि लाइव वीडियोज नहीं आ पा रहे लेकर, उसके लिए प्रॉब्लम है कि 1K सब्सक्राइबर हमें चाहिए। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दें, आप करें अपने साथियों से करवाएं, ताकि हम लोग की स्टडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और फिर हम लेकर आएंगे यूट्यूब पे लाइव वीडियोज, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और हम ये कब तक अपलोडिंग करने वाला मामला करेंगे। तो चलिए ये एक छोटा सा बात था, इसको बिल्कुल सही मायने में आंकना है, सही चीजें से तरीके से काम करना है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन काम पे, वो मेन काम है हम लोग का मैथ्स पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लासेस की मैथ्स का शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम बोले तो, और उसके लिए मैथ्स हम ला रहे हैं आज की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग NCERT के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे। अब एक्सरसाइज 4.1 में मुझे पता चला है कि 1 नंबर का पूरा हो गया है। यानी कि पहला सवाल में जो 8 सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये पहला क्वेश्चन है 4.1 का, और इसमें भी 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को मुझे पता है चला है कि हो चुका है। हालांकि हम इस एक्सरसाइज को शुरू से ही पढ़ते हैं, इस प्रश्नावली को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि हमें चेक आउट करना है कि जो भी नीचे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आपको रहेगा तो आपको लिख देना है कि यह द्विघात समीकरण है, और नहीं रहेगा तो नीचे लिखना है यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे छात्रों अब कैसे पता चलेगा कि वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, चलिए हम उसको उसके लिए चेकआउट करते हैं। प्यारे छात्रों हम लोग इसके पहले एक बहुपद नामक एक चैप्टर का हम लोग पढ़े होंगे, जो 9th में भी एक बहुपद चैप्टर मिला होगा पॉलिनोमियल। अब बहुपद का मतलब समझना है, या फिर इसी के पीछे एक चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है, उसका मीनिंग समझेंगे। प्यारे छात्रों अगर हमें x² + 3x + 4 रहेगा
तो हम बोलेंगे कि ये बहुपद है किस में, तो x में बहुपद है क्योंकि यहां पे x लिखा हुआ है। अगर हम लिखेंगे इसको 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो हम बोलेंगे कि किस में बहुपद है, तो t में बहुपद है क्योंकि t का प्रयोग हुआ है इस समीकरण में, इस बहुपद में। अच्छा 4p स्क्वायर 3p प्लस 8, इसको बोलेंगे कि किस में बहुपद है, इसको बोलेंगे कि p में बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद वो जिस टर्म में रहता है, अगर t में रहेगा तो इसको इसको बोलेंगे कि बहुपद है t में, इसको pt बोलेंगे। इसको x में बहुपद है तो इसको बोलेंगे px, प्यारे छात्रों। अगर हम ये p में फंक्शन है तो p बोलेंगे, यानी p तो स्टार्टिंग में लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन अगर उसके अंदर का देखेंगे कि वो किसका यूज किया है, x का यूज किया है तो यहां हो जाएगा px, अगर t का यूज किया है इसको लिखेंगे pt, समझ रहे हैं। तो ये तो बहुपद थी, लेकिन अब कैसे हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है, प्यारे छात्रों। द्विघात समीकरण देखिए, समीकरण कुल मिलाकर इंपोर्टेंट टाइप का 3 है, एक का नाम है रैखिक समीकरण, एक का नाम है द्विघात समीकरण और एक का नाम है त्रिघात। त्रिघात सबसे यही 3 इंपोर्टेंट समीकरण है। रैखिक का मतलब वो होता है कि अगर कहीं भी घात 1 हो गया, घात 1 का मतलब पावर में हाईएस्ट पावर अगर 1 रहेगा रैखिक, अगर हाईएस्ट पावर ज्यादा से ज्यादा घात 2 रहेगा तब हम उसको बोलेंगे द्विघात, ज्यादा से ज्यादा घात वाला अगर 3 मिल गया तब हम उसको बोलते हैं त्रिघात। यानी एक घात वाले बहुपद को या समीकरण को रैखिक समीकरण, 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण, 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं, प्यारे छात्रों। लेकिन अब हमें जो सवाल बोल रहा है कि पहला में जितने भी सवाल है 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन को चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला का जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ दिखा रहा है, एक्स प्लस वन, पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 × x + 3। अब प्यारे छात्रों अब हमको यहां पे चेकआउट करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको अलग अलग तोड़ लेना है, चाहे वो स्क्वायर रहे, चाहे गुना करना रहे, चाहे कुछ भी करना रहे, हमें क्या करना है उसको अलग अलग तोड़ लेना है। हम यहां पे तोड़ना स्टार्ट करेंगे प्यारे छात्रों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा क्योंकि वैसा ही दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको पे इसको तोड़ लेंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है अलग अलग तोड़ना है। इसको हम तोड़े तो एक्स का स्क्वायर होगा क्योंकि ए के जगह पे एक्स है, प्लस 2ab यानी कि 2, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 1, प्लस बी स्क्वायर, प्यारे छात्रों बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर। हम क्या बोले कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर वो गुना करना रहे या फिर स्क्वायर रहेगा, कुछ भी करना रहे हमें अलग अलग तोड़ लेना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस होता है, 2 × 3 = 6, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 = 2x + 6। अब प्यारे छात्रों करना क्या है कि इधर वाला जितना भी चीज रहेगा उसको लेफ्ट साइड ला देना है, इधर वाला जितना भी तरफ रहेगा यहां बराबर के दाहिने साइड कुछ भी रहेगा उसको कहां लाना है, बाएं तरफ। तो हम इसको बाएं तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर पहले इसको तो उतार लेंगे, प्लस 2x + 1। अब 2x को बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा -2x, 6 को इधर लाएंगे तो -6, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला सब चीज तो इधर आ गया तो बराबर में बचेगा 0। उसके बाद देखते हैं कि अब क्या काम करेंगे। तो प्यारे छात्रों अब इतना के बाद आप चीजों को अच्छे से देखिए तो आपको पता लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करने में कोई
एक टर्म्स को देखिए, 2x के आगे प्लस है और 2x से के आगे माइनस है, तो ये कट गया। अब यहां क्या बच रहा है, तो यहां बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स बराबर जीरो। हम लोग जानते हैं ना कि बिना x वाला बिना x वाले के साथ जुड़ता है, एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ता या घटता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वन और माइनस सिक्स में माइनस का मान ज्यादा है, छह है, तो माइनस का वैल्यू होगा और छ में से एक घटेगा, पांच बराबर जीरो। अब आप देखिए, अब इतना करने के बाद छोड़ देना है। अब आप देखिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब अभी समझे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होना चाहिए, टू, तो ज्यादा से ज्यादा पावर टू आ गया। अतः लिखिएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को चेकआउट किए कि एक क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण है। अब सिस्टमैटिक तरीके से हम यहां पर मिटा दे रहे हैं, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके रोक के वीडियो को आप उतारिएगा, या फिर अगर कभी कभी अगर साइंस पढ़ाते वक्त अगर हम ज्यादा तेजी से भी बोले तो आप वीडियो को रोक करके और फिर उतना बात को लिखना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्लास तो है नहीं कि अलग अलग सर रुकिएगा तो सुन रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, फलना ढेकना यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि वो जो मेरा फ्लुएंटली बोलने का तरीका है हम ऐसा मान रहे हैं एवरेज की सभी लोग सुन पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर ज्यादा तेजी से बोल रहे तो आपको काम करना है, वीडियो को रोक लेना है, जितना चीज बोले हुए हैं उतना सुन लेना है, जितना चीज यहाँ पे समझाया हुआ है उतना चीज देख लेना है, तब फिर पुनः दोबारा से वीडियो स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन का पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर वन में चूंकि आठ क्वेश्चन है तो अभी चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट में थ्री माइनस एक्स। पहले छात्रों हम लोग इसको चलते हैं लेकर, तो जैसा कि अलग अलग रहेगा तो अलग अलग कर लेना है, नहीं अलग अलग रहेगा तो हमको करना होगा। जैसे अलग अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू को थ्री से गुणा करिए तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस टू थ्री जा सिक्स, याद रखिए इसके आगे माइनस है और थ्री के आगे प्लस है तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस थ्री टू जा सिक्स। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, टू को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए 2x। प्यारे छात्रों, बराबर के दाहिने तरफ कुछ भी रहता है हम क्या बोले हैं, उस सबको बाएं तरफ ले आइए। जैसे ही उस सबको बाएं तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस में है यहां आ जाएगा तो प्लस होगा। पहले इधर वाले को इधर वाले उतार लेंगे, ये माइनस में है इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स, ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए, हम एक चीज बताना सीखे हैं आपको कि एक्स स्क्वायर वाला एक साथ तभी जोड़ेंगे जब एक्स स्क्वायर का और इसका दोस्त यार रहेगा। एक्स स्क्वायर का और कोई दोस्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे। एक्स का कोई यार है तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, मिल गया ना। तो जब भी एक्स एक्स वाला के साथ जुड़ता है, एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ता या घटता है। तो याद रखिए, यहाँ टू एक्स माइनस में है, यहाँ माइनस टू एक्स है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अब इसके बाद सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी अकेला है भाई, एक्स भी अकेला है, छह भी अकेला है, ना ये इसका कोई यार दोस्त है, ना इसका कोई है, ना इसका कोई है। तो हम लोग यहां पे छोड़ेंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि कितना घात है भाई, तो आप बोलेंगे कैसे कि सर घात एक दिख रहा है हमको, कुछ नहीं है तो एक। कोई बोलेगा सर हमको घात दो है, दो दिख रहा है। हम बोलेंगे कि तुम लोग दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा घात कितना है, सबसे ज्यादा एक होता है कि सबसे ज्यादा दो होता है, सबसे ज्यादा दो होता है ना, तो सबसे ज्यादा वाला का ही वैल्यू होता है, यानी कि दो आ गया तो यहां बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। यानी कि पहला के जितने भी क्वेश्चन है आपको काम क्या करना है, सबको चेक करना है, फॉर्मूले पे तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपको इधर उधर करना है, मतलब दाहिने साइड की जितना भी चीजें हैं उसको बाएं साइड लाना है, और फिर अगर एक जाति का रहेगा उसका दोस्त यार मिलेगा तो जोड़ घटाव करना है। चलिए, अब आते हैं पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, x माइनस टू, फिर
एक्स प्लस वन फिर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमको चेक करना है, चेक करना है। चलिए, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या बोले कि जब भी गुना में रहेगा तो गुना कर लेना है। तो x को यहां पे आप समझिए कि ऐसा सिचुएशन रहता है ना, दो ठो ब्रैकेट में रहे फिर दो ठो ब्रैकेट में रहे, तो इसका गुना करने का तरीका है कि x को आप x से गुना करो, तो x और x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर इसी x को 1 के साथ करो, तो x को 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ x। अब माइनस टू को x से करो, मतलब इसको भी दोनों से कराएंगे और बाद वाला को भी दोनों से कराते हैं गुना, तो माइनस टू को x से करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस। अब इस माइनस टू को वन से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और टू वन जा टू, वैसे ही इधर करेंगे। इस वाले जो x है इसको भी दोनों तक दोनों से कराएंगे, x को x के साथ x स्क्वायर, x को थ्री के साथ थ्री एक्स, माइनस वन को x के साथ माइनस एक्स, माइनस वन को थ्री के साथ माइनस थ्री, राइट। अब इतना करने के बाद प्यारे छात्रों हम क्या बोले हैं कि जो भी राइट साइड होगा ना, सबको बारी बारी से लेफ्ट साइड ला देना है। तो चलिए, सबसे पहले तो ऑलरेडी ये पहले से ही मेरा बाएं तरफ है ना, तो ये पहले से मेरा बाएं तरफ है, तो इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। अब जो भी बराबर के दाहिने साइड है, वो बगल है दूसरे साइड, उसको क्या करना है, बाएं साइड लाना है। तो एक्स स्क्वायर को जब लाएंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ ही है, अभी कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, और प्लस जब इन्हें आता है तो कुछ ही होता है माइनस, अभी प्लस है इधर आएगा तो माइनस, अभी माइनस है और जब इधर लाएंगे इसको तो प्लस एक्स, अभी जब माइनस थ्री है इधर लाएंगे तो कुछ ही होगा प्लस थ्री, और इधर कुछ बचेगा जीरो, क्योंकि तो सब जो राइट साइड था दाहिने तरफ था सबको तो हम बाएं साइड ला ही दिए हैं, तो दाहिने साइड में तो जीरो बच रहा है, तो जीरो का जीरो लिख दिए। फिर क्या काम करना है, जरा आप देखिए, अपने जात वाले लोग को ढूंढना है, एक जाति वाले का, या फिर बोल सकते हैं उसका दोस्त यार तुमको ढूंढना है, ढूंढो। एक्स स्क्वायर का कोई दोस्त है तो यहां है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब ए को प्लस में है कुछ नहीं है तो प्लस, अब ए को माइनस में है तो जब ए को प्लस है और जब ए को माइनस है तो दोनों उड़ गया खत्म। और देखो कोई कोई किसी का दोस्त यार है तो हाँ भाई यार तो है, एगो एक्स यहाँ है एगो एक्स यहाँ है, और इसी का दोस्त यार यहाँ भी है, है। तो जितना भी टिकआउट किए हैं सब एक जाति का है, सब दोस्त लोग हैं, सबको एक साथ जोड़ घटाव करना है। देखो एक्स और माइनस टू एक्स मिलके कितना हुआ, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस टू है, माइनस का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स और यहाँ हो गया माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स और माइनस एक्स मिलके कितना हुआ, माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब माइनस थ्री एक्स है और बिना एक्स वाला यार यहाँ है माइनस टू और वो बिना एक्स वाला थ्री है, तो थ्री में से अगर टू गया तो कितना बचेगा, वन बराबर कितना, जीरो। क्या अब इसका घात वन टू है, क्योंकि द्विघात समीकरण में चेक करना है हमको, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्यों, क्योंकि घात में एक है। द्विघात समीकरण कब रहता है, जब घात दो रहेगा, दो रहेगा घात, तभी ना होता है द्विघात समीकरण। तो यहां पे घात वन है तो यहां लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि इसको लिखने के बाद यही लिखेंगे कि यहां पे घात वन है, यहां पे भी लिख भी सकते हैं, चूंकि घात बराबर एक, घात इसका कितना हुआ एक, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे छात्रों पहला का आठ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, पहले में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, आठ। आठ में से हम तीन क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, आठ में से तीन क्वेश्चन को बनाए हैं, और ऐसा ही अभी और पांच क्वेश्चन है, क्योंकि एक का टोटल आठ क्वेश्चन जिसमें तीन क्वेश्चन हम बना के अभी दिखा दिए हैं आपको, और बाकी का बच रहा है पांच क्वेश्चन। इन पांच क्वेश्चन को सभी छात्र छात्राओं को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि घर पे बनाना है। मानते हैं आप पहले बनाए होंगे, दोबारा बनाइए, मैथ क्या है
प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपको उतना ज्यादा रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेगा। आपको देखते पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, वहां पे फट से आप रूल लगाएंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए बाकी का जो आगे का क्वेश्चन है पहला का, यानी 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है और इस ग्रुप में सेंड करना है। हम देखेंगे कितने लोगों का सही है। मान लिया जाए कि कुछ लोगों को गलत भी होगी और कुछ लोगों की सही होगी, तो हम जिसको बोलेंगे कि सही है आप उनके कॉपी को देखेंगे, उनका बनाया हुआ चीज को देखेंगे, तो आपको सहूलियत होगा। समझ में आ रहा बात? और बाकी की कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मेरे से बताइए, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। चलिए फिर अगले क्लास में, मतलब आज ही तुरंत साइंस हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि हर दिन मैथ और साइंस डेली रेगुलर के बेसिस पे आएंगी वीडियोज। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, अब फिर से मैथ्स की क्लास के लिए अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।